हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपका थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन, विद्युत रसायन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं? तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, या फिर इसी को हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये हो गया आपका, तो आपको डिफरेंस याद रखना है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है आपको विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि समझाना है। किसकी क्रियाविधि? विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि। इसको हमें डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाना है। किसका उदाहरण देकर? डेनियल सेल का उदाहरण देते हुए समझाइए, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्राइब दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद द एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स में सीधा सीधा आ सकता है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, ठीक है? ये आप कंप्लीट कर लेना, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो आपको कोई भी तीन अंतर लिखने को आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और ये किस प्रकार से बनाया जाता है, इलेक्ट्रोड क्या है और इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट? तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका सेल्स से या बैटरी से। तो बैटरी में आपको देखो कौन कौन सी बैटरी याद रखना है। सबसे पहली बैटरी आपको याद रखना है शुष्क सेल। कौन सी? शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार ला लेना इस पर भी। तो डिस्क्राइब दी ड्राई सेल आपको डिस्क्राइब करना है विथ डायग्राम। तो डायग्राम आप बना सकते हो, इस तरह से डायग्राम होता है इसका। इसमें बीच में क्या रहता है? यहाँ पर कैथोड रहता है, एनोड आपका जिंक का बना रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो विद्युत रासायनिक सेल का वर्णन और दूसरा शुष्क सेल। अगला आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सीसा संचायक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। सीसा संचायक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर हम इसे बोल सकते हैं लेड एसिड बैटरी, लेड
एसिड बैटरी, तो इसका आपको पूरा डिस्क्रिप्शन याद होना चाहिए, और विथ इसकी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोड इक्वेशन एंड कैथोड इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा कंप्लीट इक्वेशन। कौन सी कहलाएगी? कंप्लीट इक्वेशन, या फिर इसी को बोलते हैं सेल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सेल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो देखिए, आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, या निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है मोलर चालकता। कौन सी? मोलर चालकता, चालकता। दूसरा आपको याद रखना है यहां पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। और तीसरा आपको याद रखना है यहाँ सेल स्थिरांक। इनके फॉर्मूले, इनकी डेफिनेशन और इनके यूनिट, तीनों के याद रखना है। तो मोलर चालकता को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर चालकता को हम डिनोट करते हैं लेमडा एम से, इक्विवेलेंट को हम डिनोट करते हैं लेमडा ई क्यू से। सेल स्थिरांक यानी कि सेल कांस्टेंट, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट फोर्थ आपको याद रखना है यहाँ पर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, या फिर स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसमें तीसरी चीज ये पूछी जाती है नेक्स्ट, कि सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन भी आपको, छोटा सा डेरिवेशन है, ये आपको तैयार करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता पर, विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो है कोलरास लॉ, या कोलरास का नियम क्या है, कोलरास का नियम क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ कोलरास। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है इसके अनुप्रयोग, या एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। अनुप्रयोग भी पूछे आते हैं, ये टोटल, ये डेफिनेशन 3 मार्क्स से पूछी आती है, 3 नंबर की, और ये 2 नंबर का। तो टोटल आपको मिल जाएगा 3 + 2 = 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो आपको याद रखना है यहाँ पर फैराडेज लॉ। कौन सा लॉ? फैराडे का नियम। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, एक तो प्रथम नियम और दूसरा था आपका द्वितीय नियम। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ, दोनों ही आपको याद रखना है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, इसमें संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, विद्युत रासायनिक सिद्धांत, या मौलिक संक्षारण को बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो इलेक्ट्रिक केमिकल थ्योरी, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक केमिकल प्रिंसिपल ऑफ कोरोजन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको कौन कौन से यहाँ पर फॉर्मूले याद रखना है। तो फॉर्मूले में देखो, सबसे पहले तो आपको कोलरास लॉ का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस कंडक्टेंस ऑफ नेगेटिव आयन, और मान लिया पॉजिटिव आयन एक्स है और नेगेटिव आयन वाई है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा को हम लोग अल्फा से नोट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं इसे। इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला जो ये वाली जो चीज़ है इसको कहाँ से ले निकाल सकते हैं, हम कोलरास लॉ से निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला आपको यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक। और वियोजन स्थिरांक का आपका फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं पहले के से, तो इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, या फिर हम इसे बोलते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इक्वल टू होता है सी, सी मतलब कंसेंट्रेशन सांद्रता, अल्फा आपका होता है वियोजन की मात्रा अपॉन वन माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। फैराडेज लॉ का आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो फैराडेज लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू जेड क्यू, जहां पर Q होता है आपका चार्ज और हमें पता है कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट, यानी कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ से हम Q इक्वल टू क्या ले सकते हैं, देखो I इंटू टी ले सकते हैं और इस Q की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा आपका Z इंटू आई टी, तो W इक्वल टू Z इंटू आई टी। ठीक है, तो W यहाँ पर वेट कहलाएगा, Z आपका यहाँ पर रासायनिक स्थिरांक कहलाता है, I आपका करंट है और T आपका यहाँ पर टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम नेक्स्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं, तो अगला फॉर्मूला है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ पर सिक्स नंबर का, तो आपका है ये मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है के इंटू थाउजेंड अपॉन एम, एम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, के यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब विशिष्ट चालकता कहलाती है। और इसी प्रकार से इक्विवेलेंट या तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला होता है के इंटू थाउजेंड अपॉन एन, एन यहाँ पर नॉर्मलता है या नॉर्मेलिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम, नॉर्मेलिटी। तो इतने सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखना है, तो काफ़ी इजी चैप्टर है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इजी तो है ही साथ ही साथ काफ़ी स्कोरिंग भी है। इसको आप यदि पूरा कर लोगे तो अच्छे से पूरे मार्क्स आप कवर कर सकते हो। एक फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पर, देखो एक बेसिक फॉर्मूला है, आप फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है आपको, रेजिस्टिविटी दी जाएगी, लेंथ दी जाएगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको कवर करना है इस चैप्टर में, इसके अलावा आप कर सकते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन इतने तो बेसिक आपको कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप पढ़ते रहिए, अपना रिवाइज करते रहिए और एग्जाम के लिए अपना 100% दीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।